मैं निवेदन करता हूँ इस मंच के निर्देशक श्री संजय चौहान जी से और वॉलंटियर से, वे आज इस कार्यक्रम पर आए विशेष अतिथि का सम्मान करें। विशेष अतिथि, हमारे अतिथि, आज आप आए, आज आपने समय दिया, आपके लिए बहुत बहुत मुबारकें, बहुत बहुत बधाइयां। बैच पहनाकर इन्हें सम्मानित करते हुए, ये हमारे राज्य उपाध्यक्ष हैं श्री बलदेव नेगी जी, एनपीएससी न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ, इन्हों और साथ में आए हैं इनके साथ जयप्रकाश नेगी जी, प्रधान विचार ब्लॉक एनपीएससी महासंघ। इनके अथक प्रयासों से इन्होंने हम विचार ब्लॉक के हिमाचल के कर्मचारियों को ऐसा जोड़ा कि एक समय सरकार ने सभी कर्मचारियों की पेंशन बंद की थी और आज एनपीएससी परिवार इतना बड़ा हो गया। हमारे राज्य अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रदीप ठाकुर जी के साथ साथ चले और हमारे बीच में राज्य अध्यक्ष जी चले, जयप्रकाश नेगी जी चले, हमारे बीच में एक भाई और नहीं आए, वीरेंद्र जिंटा जी नहीं आए और मैं स्वयं इस एनपीएस कर्मचारी महासंघ का उप निचार ब्लॉक का महासचिव हूँ। आप सभी के साथ हम साथ चले हैं। आज हमारे बड़े फखर का विषय है कि एक समय था हम नौकरी करते थे, पेंशन नहीं थी, आज हम बड़े फखर से कह सकते हैं हम रिटायर होने के बाद जाएंगे और जो है हमें पेंशन मिलेगी और ये आप सभी के साथ से हुआ। प्रदीप ठाकुर जी और आप सभी मंडी से लेकर शिमला तक पैदल मार्च किया और आज इतना बड़ा विशाल हमारे बीच जनसभा हुआ और इतने विकराल लोग आए और आप सरकार को जो है हमारे बीच में आकर इस तरह हमारे पेंशन की योजना को बहाल करना पड़ा। जय श्री राम। इसलिए हमारे बीच में ऐसे महान व्यक्तित्व जुड़े रहते हैं और इसीलिए हम जो है ऐसे ऐसे महान लोगों को बुलाते हैं यहाँ पर अतिथि के रूप में, जिन्होंने देश नहीं प्रदेश में भी जो है पूरे भारत में एक नाम कमाया होता है और ये हमारे लिए एक शिक्षार्थ है। हम इनसे सीखते हैं, हम सीखने की भावना से आते हैं और हम ऐसा नहीं है कि हम ये कुछ करने आते हैं, हम इनसे प्रेरित होकर इनको हम मंच पर बुलाते हैं ताकि ये आप लोगों के लिए भी एक मिसाल बने, हमारे बच्चों के लिए भी एक मिसाल बने, जो ये नन्हे बच्चे बैठे हैं इनके लिए भी एक मिसाल बने। बच्चों में इनका कहना चाहूँगा, इनके बेटे का नाम है दिवांश मिश्र, आज पूरे भारत में परचम लहरा रहा है और परचम लहरा रहा है, बहुत बड़ी बात है। और आगे बताएंगे बच्चे के बारे में बहुत सारी कहानियाँ हैं। अब थोड़ी सी बातें हम इनके मुखारविंद से भी सुनेंगे और अपनी थोड़ी उपलब्धियां बताएंगे। जय श्री राम। आइए लिए चलते हैं अगले सुंदर विषय की ओर। मुझे भी तुम्हारा ही इंतजार था। अब जरा दो दो हाथ दिखाने का मजा आएगा। या तो चीठी चढ़ा, मेरी बातों का जवाब दे और मेरे साथ चल, अन्यथा समझ ले कि मेरा नाम भी अक्षय कुमार है। यदि तू मुझे गिरफ्तार ना करे तो तेरे जीवन पर धिक्कार है। चलता है ना, बातें ही बनाएगा। यदि तेरे जैसे छोकरे मुझको गिरफ्तार कर लेंगे तो मुझे हनुमान कौन कहेगा। बोल दिया वर रामचंद्र जी। धन्यवाद
बोलियो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, सीता माता की, लक्ष्मण देवी की, पवन सुत हनुमान की, राम देव अखंडित बलदाना, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। एक बार बच्चों आप भी बोलिए, राम दूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। बहुत सुंदर। और आपने देखा हनुमान जी ने किस तरह रावण की सेनाओं का सफाया किया। और आज बड़े खुशी का विषय है, आप मुख्य अतिथि, विशेष अतिथि आप यहाँ पहुंचे हैं। और आपने इस मंच को, इस रामलीला के आयोजन पर हम सभी कलाकारों का हौसला बढ़ाते हुए इस मंच के लिए आपने 5,000 रुपये भेंट किए हैं। हम आप मुख्य अतिथि महोदय का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और श्री जेपी नेगी जी ने इसके अतिरिक्त हमारे इस कार्यक्रम को खुश होने के उपलक्ष्य पर इन्होंने भी हमें स्पेशली 500 रुपये अलग से भेंट किए हैं। जय श्री राम। मैं मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, और साथ में अपने जेपी नेगी जी भी साथ आएंगे और सर के साथ, कि दो शब्द हमारे बीच रखें और अपने विचारों का से हमें अनुग्रहित करें। और मैं चाहूंगा कि आपने प्रदेश में हमारे एनपीएस संघ के लिए बहुत बड़े काम किए, हम रामलीला मंच में काम कर रहे हैं, और अपने बच्चे के बारे में भी एक छोटी सी उपलब्धि बताएं ताकि ये बच्चे प्रेरित हो जाए। जय श्री राम। बच्चों सुख शांति से रहें, शांति से रहें। कैमरामैन से भी निवेदन करना चाहूंगा कि इन्हें आज इनके गांव से भी मुख्य अतिथि बतौर शिरकत किए, सभी देख रहे हैं, इन्हें आप बिल्कुल लाइव रिकॉर्ड करें। जय श्री राम। जय श्री राम। माइक माइक ऑन। बस हेलो 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 हेलो। जय श्री राम। 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 श्री सनातन धर्म सभा रामलीला मंचन के निदेशक श्री संजय चौहान के, अध्यक्ष श्री विनोद जिदस जी, सह निर्देशक श्री राकेश नेगी जी, वो समस्त ठीक है, हेलो, वो समस्त रामलीला के कलाकार, समस्त इस सुंदर रामलीला की प्रस्तुति को देख रहे दर्शक का, प्यारे बच्चों, वह इस रामलीला के मंच पर मंच संचालन करते हुए हमारे शानदार तरीके से आज इस रामलीला का 9वां दिन है। जब से शुरू हुआ है तब से हम लाइव किन्नौर, अब तक के कवि श्री राम भगत नेगी जी जो अपने चैनल के माध्यम से, पेज के माध्यम से जो घर में बैठे हैं वो भी इस कार्यक्रम को घर में बैठकर देख रहे हैं, इसलिए मैं राम भगत नेगी जी व समस्त इस मंच संचालन के निदेशक, डायरेक्टर व सभी का मैं आज यहाँ पर इस पवित्र स्थान पर, पवित्र मंच पर, माता रानी के इस मंच पर बुलाने के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और शुक्रिया करता हूँ। और मैं मंच संचालन कर रहे हमारे मित्र श्री बलबीर नेगी जी, हेलो हेलो, दब गया,
बलबीर सिंह नेगी जी, मैं शुरू वाले ही दिन आपको इस मंच से लाइव देख रहा हूं। जो सुंदर प्रस्तुति, जो सुंदर मंच संचालन कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और मैं हमारे रामगन नेगी जी, इनका मैं स्पेशली धन्यवाद करता हूं कि अपने पैसे पूरे भारतवर्ष में पूरे देश देख रहा है इस रामलला को, उसके लिए भी मैं आपका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। बाकी मैं ज्यादा ना कहूंगा। हम सौभाग्य मानते हैं कि इस धार्मिक मंच पर आज हमें आपने बुलाया, और इस धार्मिक मंच पर बुला करके हमें दो शब्द बोलने का मौका भी मिला, और आंखों देखी जो कार्यक्रम सुंदर प्रस्तुति, जो निदेशक हमारे संजय चौहान जी को भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जो कलाकारों को आपने इतने सुंदर तरीके से जो तैयार किया है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि किसी जमाने में किसी एक वक्त होता था कि हम छोटे छोटे होते थे, रिकांगपियों में भी रामलीला होता था, घर से भाग भाग करके जाते थे रामलीला देखने के लिए। मुझे तो सौभाग्य प्राप्त हुआ है आज भावर नगर में, मैं यहीं पर भावर नगर में लुटुकता में सर्विस करता हूँ, एक साल से मैं यहीं हूँ। पहली बार इस पवित्र स्थान पर आके मुझे साक्षात रामलीला देखने का मौका मिला है, इसलिए मैं संजय चौहान जी और पूरे अध्यक्ष बलबीर जी सबका मैं दोबारा पुनः धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो साथियों, बलबीर नेगी जी ने कुछ बच्चे के बारे में कहा है, चलो अगर आपने थोड़ा सा बोलने के लिए मुझे अनुमति दी है तो मैं कह देता हूँ। जो मेरा बेटा देवांश बिष्ट, बच्चों शांत, वो सेवंथ क्लास में पढ़ता है, वैसे आप लोग सोशल मीडिया में देखते रहते होंगे आगे अक्सर, वो इस वक्त ब्लैक बेल्ट है, महाराष्ट्र से भी पिछले साल ब्रॉन्ज मेडल लेकर आया था। कल्पा में स्थानीय हमारे पंचायत ने भी बहुत मान सम्मान दिया, उन्हें और सम्मानित किया था, और अभी भी चार पांच दिन पहले जिला बंडी में राज्य स्तरीय सत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता मार्शल आर्ट में भी गोल्ड मेडल लेकर आया है, वो भी अभी पेपर में छपा था। और एक छोटी सी बात और मैं कहना चाहता हूं, जो देवांश बिष्ट है, किसमें कितना है दम, केकेएसडी टैलेंट का महासंग्राम में वो ऑडिशन में निकला था, चार राउंड उसने क्लियर किया है, पांचवा राउंड के लिए फिनाले के लिए निकला है, वो चंडीगढ़ में उसका अभी कार्यक्रम होना है नवंबर में। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ आने वाले जो भी न्यू जनरेशन है, जो बच्चों को यही संदेश देना चाहता हूँ, और इनके माता पिता को भी यही संदेश देना चाहता हूँ, आज हम इस मंच पर, एक धार्मिक मंच पर बैठे हैं, एक पवित्र मंच पर बैठे हैं, हम अपने बच्चों को शुरू से ही ऐसे संस्कार लगाए ताकि बड़ा होते हैं, जैसे एक पौधा छोटा होता है, उस छोटे पौधे को हम ऐसा सींच कर बड़ा बनाते हैं, बच्चे भी एक पौधे की तरह होता है, उन बच्चों के दिमाग में शुरू से ही अच्छा संस्कार लगाए। अगर बच्चों को या किसी को हमने अच्छा बनाना है तो सबसे पहले हमें खुद को अच्छा बनना होता है, ताकि पीछे वाला जो प्रेरणा लेता है, आगे से माँ बाप जो होते हैं बच्चों के लिए प्रेरणा होते हैं, माँ बाप ही बच्चों को संस्कार देते हैं, उसके बाद स्कूल से उनको प्रेरणा मिलता है। तो मैं तो यही कहूंगा, आने वाले जो भविष्य जो बच्चे हैं, सबसे पहले समाज जो देश को हम अपना समझे, उसको परिवार समझे, नशे से दूर रहे। आने वाले बच्चों के लिए भी मैं ही यही संदेश देना चाहता हूँ, हमें नशे से हमेशा दूर रहना चाहिए, और समाज और देश को हम अपने परिवार मानना चाहिए। जैसे अभी यहाँ पर दिखा रहे थे रावण, हमारे बलबीर जी ने बोला समाज में भी ऐसे हमारे अंदर रावण छुपा हुआ है, इस शरीर के अंदर रावण है, बुराइयां है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन चीजों को हमने निकाल के बाहर फेंकना है, तब हम रावण इतना बलशाली शक्तिशाली होकर भी अंत समय में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ये एक हमें सच्चाई की हमेशा जीत होती है। तो इस मंच में, ऐसे तो हमें कई मंच मिलते हैं, परंतु ये मंच पे हम पहुंचे हैं, इसके लिए मैं सौभाग्य मानता हूं, और हमें हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलना चाहिए, और हमें हमेशा सच्चाई की ही जीत होती है। तो मैं ज्यादा ना कहता हुआ इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं पुणे डायरेक्टर व पूरे टीम, निदेशक, सह निदेशक प्रधान जी,
बलबीर जी और हमारे रामभक्त जी का मैं पुणे इस मंच में बुलाने के लिए मैं धन्यवाद करता हूं और मैं आपका विश्वास करता हूं आने वाले समय में भी जब भी कोई धार्मिक कार्यक्रम होगा हम आपके साथ बिल्कुल दिल से जुड़े रहेंगे। कोई भी अगर इस धार्मिक कार्य के लिए हमारी अगर जरूरत हो तो हमें जब मुट्ठी आपने याद कर लेना। हम ऐसे जगह में तो पैसे हर कहीं लगा देते हैं परंतु धार्मिक जगहों में अगर हम पुण्य के लिए कहीं पैसे खर्च करते हैं उसका पुण्य हमेशा हमेशा मिलेगा। मैं तो भगवान से यही दुआ करता हूँ, हेलो, मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ, हे मालिक हमें इतना शक्ति दे, मांगने से ज्यादा हमें देने की शक्ति दे, हेलो, मांगने से ज्यादा हमें भगवान परमात्मा परमेश्वर देने की शक्ति ज्यादा दे। हम यही दुआ करते हैं किसी भूखे को कोई नंगे को कोई इस देश और प्रदेश में भूखे ना रहे। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ इन्हीं चार शब्दों के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय श्री राम। हेलो, धन्यवाद, जय हिंद, जय श्री राम, 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 धन्यवाद, धन्यवाद जी। ऐसी मन के मन का आप आखोए, आप भी शीतल हो और उन भी शीतल करे।